When Geeta increases her speed from 12 km per hour to 20 km per hour, she takes 1 hour less than the usual time to cover the distance between her home and office. Let us say V1 है 12 और V2 है 20. हमने दो अलग अलग सिचुएशंस में इनकी जो स्पीड्स है उसका रेशियो निकाला, तो ये हो गया है 3/5. तो इनके टाइम टेकन का रेशियो क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा इस वैल्यू का, दैट इज 5/3. अगर मैं इसे 5x लेता हूं और इसे 3x लेता हूं तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया है 2x. हमें डिफरेंस कितना गिवन है? 1 आवर लेस. तो 2x इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो x इज इक्वल टू 30 मिनट्स. इसका मतलब है पहले ये ले रहे थे 150 मिनट, अब ये ले रही हैं 90 मिनट्स. क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं? स्पीड को रेस्पेक्टिव टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 12 की स्पीड है 150 मिनट्स है, 150/60, 12 5 टाइम्स, हमारा आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर. और अगर हम 20 को 90 से मल्टीप्लाई करें, 60 से डिवाइड करें, आवर्स में बदलने के लिए मिनट्स को, तो भी हमारा आंसर 30 किलोमीटर आएगा.